हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 2 ऑफ कैलकुलस। ओके, चैप्टर का नाम है डिविजिबिलिटी थ्योरी इन द इंटीजर्स। ओके, अब देखो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में आपको बस डिवीजन के बारे में सीखना है कि क्या होती है डिवीजन एक्चुअली, ठीक है, इन मैथमेटिकली। ओके, हमें पता है 4 / 2 = 2। ओके, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें इसके बारे में हमें आज देखना है। तो इसी कड़ी में पहला टॉपिक है अपना मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, सो व्हाट इज अ मैथमेटिकल इंडक्शन फर्स्ट। ओके, सो देखो, पहली बात, आपके घर में बहुत सारे औजार होंगे, लाइक कैंची होगी, चाकू होगा, हथौड़ी होगी, ठीक है, वॉट एवर, रिमोट होगा। सो यूज ऑफ सीजर क्या होता है, हम पेपर को कट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चाकू का यूज क्यों करते हैं, सब्जियां काटने के लिए। सेम मैनर में मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज किया जाता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ओके, जो कोई भी थ्योरम्स होते हैं, बेसिकली जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब नंबर्स होते हैं, 1 + 2 + 3 = something, हाँ, तो इनके एडिशन क्या आएगी, तो ऐसे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज किया जाता है। ओके, बेसिकली यहाँ पे वेट, यहाँ पे दो तरह के होते हैं, मतलब प्रूविंग टेक्निक दो तरह की होती है। पहला होता है इंडक्शन, दूसरा होता है डिडक्शन। ओके, ध्यान रखो, ये बेसिक चीजें हैं। अब मैं डिडक्शन से स्टार्ट करता हूं। डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन होता है जनरल केस से किसी स्पेसिफिक केस की तरफ बढ़ना। अगर मैं एग्जांपल दू, एग्जांपल वेरी इजी, कोई भी नहीं, उसके अंदर कुछ नया नहीं है। All humans eat, मतलब क्या, हर एक ह्यूमन खाना खाता है, ठीक है, दिस इज जनरल केस, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं, प्रियंका eat food, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक केस हो गई प्रियंका के लिए। अब हमने जनरल किसके लिए सोचा था, कि ऑल ह्यूमन ईट फूड। ओके, मतलब हर ह्यूमन फूड खाता है, ठीक है। अब मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि प्रियंका खाना खाती है, लाइक दिस, आपने देखा होगा ना, हम दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं, अब दिवाली आ रही ना, दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन ये तो जनरल हो गया, हम बोले ना यहाँ पे, हम मतलब क्या, एंटायर फैमिली, लेकिन आज हम प्रियंका के लिए शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, प्रियंका के शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर केस होगी, स्पेसिफिक केस होगी, लाइक दिस। So, इसे कहते हैं डिडक्शन, मतलब आपको एक जनरल केस दी होगी, उसके ऊपर से आपको स्पेसिफिकली प्रूव करना होगा, ठीक है। इंडक्शन में इसके उल्टा होता है, आपको एक स्पेसिफिक केसेस दिया जाता है और उसके ऊपर से आपको जनरल केस प्रूव करनी होती है। मतलब क्या, आज प्रियंका की शॉपिंग है, सतीश की शॉपिंग है, अनुष्का की शॉपिंग है, पंकज की शॉपिंग है, सो एंटायर क्या हो गया, फैमिली की शॉपिंग है, ठीक है, लाइक दिस। सो इसे कहते हैं इंडक्शन। अब ये इंडक्शन में होता क्या है, ठीक है, आई होप आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये इंडक्शन में होता क्या है, ओके, अब देखो, अब इसे यूज कैसे करना है, ये जो इंडक्शन है इसे यूज कैसे करना है। पहली बात, आपने कभी ये ऐसा गेम खेला होगा, मतलब देखो ऐसे कार्ड्स रखते थे हम लाइक दिस एंड सो ऑन, 26 ही होते थे अपने पास, ओके। नाउ ये कार्ड नंबर 1, ये कार्ड नंबर 2, 3, 4, 5 एंड दिस वन इज 6 एंड अप टू एन, पता नहीं कहां तक जाएगा। आपने कभी देखा है, मतलब इस कार्ड को अगर मैं गिरा दूं तो ये पूरे कार्ड कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एक एक करके नहीं कि गिरते हैं, शायद से आप इमेजिन कर सकते हो, आपने बहुत बार देखा भी होगा, ठीक है। सो ये एक एक कार्ड गिरते जाते हैं, सो इसके मतलब ये होता है मैथमेटिकल इंडक्शन फर्स्ट, मतलब अगर हम रियल लाइफ में देखा जाए तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन होता है। लेकिन कैसे, सो इस इफेक्ट को कहते हैं, ये जो इफेक्ट है उसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, नॉट अ पिज्जा वाला, ओके, इस डोमिनो इफेक्ट, ठीक है। अब ये इफेक्ट क्या कहता है, यही बेस है मैथमेटिकल इंडक्शन का। सबसे पहले इसे वर्क कैसे करते हैं, इसका वर्किंग मेथड देखो। पहला है चेक फॉर वन, मतलब फर्स्ट कार्ड,
ठीक है, दैट इज एन इज इक्वल टू वन। ओके, मतलब पहले कार्ड के लिए चेक करो कि अगर मैं पहला कार्ड गिरा रहा हूं तो क्या बाकी सब कार्ड्स गिर रहे हैं, वो चेक करेंगे। कॉल्ड इज बेसिक स्टेप्स। ठीक है, ये बेसिक स्टेप होती है, आपने सीखा होगा शायद से ट्वेल्थ में, मैं बस एक रिवाइज कर दे रहा हूं। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अब मैं यहां से रैंडमली एक कार्ड उठा लूंगा, रैंडमली एक कार्ड उठा लूंगा यहां से और उसको गिरा दूंगा, तो मैं देखूंगा कि अगर ये रैंडमली गिर रहा है तो क्या उसके आगे वाला भी गिर रहा है क्या, मतलब क्या चूज एन इज इक्वल टू के एज अ रैंडम एंड चेक फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। मतलब क्या, कोई भी रैंडम कार्ड उठा लो, सपोज करो मैंने ये पांच नंबर का कार्ड था उठा लिया, अगर मैं पांच नंबर के कार्ड को भी गिरा रहा हूं तो क्या छह नंबर का कार्ड भी गिर रहा है क्या, ये देखूंगा। दैट इज एन इज इक्वल टू फाइव एंड एन इज इक्वल टू के प्लस वन, दैट इज सिक्स। ओके, लाइक दिस। सो ऐसे हम यूज करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन में, मतलब कोई भी पहला नंबर चेक करेंगे, यस इट इज ट्रू, देन कोई भी एक रैंडम नंबर उठाएंगे और उसके हेल्प से आगे वाले को प्रूव करेंगे, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे एग्जाम्पल्स देखेंगे आपको आराम से समझते आते जाए, बस ये थ्योरी ध्यान में रखो कि ये कैसे यूज होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक द मैथमेटिकल इंडक्शन इज दिस फाइनाइट प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट है आपका, लेकिन उसको भी एक सिंपल स्टेटमेंट भी अल्टरनेट है कि वो ये ज्यादातर हम यूज करते हैं कि सपोज फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर में जा रहा है और स्टेटमेंट पी ऑफ एन इज अ गिवन। ओके, मतलब आपको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन दिया होगा कॉल्ड एज पी ऑफ एन। ओके, देन ये ट्रू होगा कब, पी ऑफ वन इज ट्रू। मतलब देखो मैंने कहा था ना कि पहला कार्ड उठाओ उसके लिए चेक करो, सो पी ऑफ वन इज ट्रू एंड सेकेंड पी ऑफ के इज ट्रू, ऐसा एज्यूम करो। मतलब मैंने पांच नंबर का कार्ड उठा लिया, अब सब गिरेंगे ऐसा एज्यूम किया, देन प्रूव दैट के प्लस वन इज ट्रू। मतलब पांच नंबर का उठा लिया तो सिक्स से भी गिरना शुरू हो गया, लाइक दिस के प्लस वन इज ट्रू। ये इस तरह से मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेटमेंट है। ओके, सो जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे आपको आते जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये तीन या चार मार्क के एग्जाम्पल होते हैं, ज्यादातर आते नहीं। ओके, आएंगे तो सिंपल आएंगे, लाइक दिस। ऐसा दिया है वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। इसे हमें प्रूव करना है कैसे, देखो यहां पे सबसे पहली बात आपको पी ऑफ एन कंसिडर करना है। पी ऑफ एन क्या आ जाएगा, ये पूरा स्टेटमेंट वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। ओके, ये हो गया ना। बिफोर दैट यहाँ पे एक रह गया आपको बताना, यहाँ पे पी ऑफ वन कहा है, मतलब आपको वन नहीं पुट करना है एवरी टाइम, वन नहीं पुट करना है। कभी कभी क्या हो जाता है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है एन ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर, सो आप वहां पे फोर से स्टार्ट करोगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था पहला कार्ड उठाओ। अब पहला कार्ड मतलब क्या, एन इज इक्वल टू वन, बेसिकली अगर जनरल हम थिंक करें तो वन ही हो जाता है, लेकिन अगर वहां पे स्टेटमेंट की लाइन ऐसे फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स एंड देन सो ऑन, सो व्हाट विल बी देयर फर्स्ट इज अ फोर। ठीक है, तो आप फोर पुट करेंगे वहां पे। ठीक है, इस तरह से। सो पहला क्या है, स्टेप वन चेक फॉर एन इज इक्वल टू वन, चेक फॉर एन इज इक्वल टू वन। ओके, तो यहां पे पी ऑफ वन, एन की जगह पर वन डालो तो यहां पे क्या आ जाएगा, वन, सब जगह वन हो जाएगा ना, वन इंटू वन प्लस वन बाय टू, तो ये क्या हो जाएगा टू इंटू वन बाय टू, दैट इज टू टू गेट कैंसल, सो वन। देखो सब जगह वन इज इक्वल टू वन आ रहा है, दैट इज एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस पी ऑफ वन इज ट्रू। देखो मतलब दोनों साइड हम ट्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब यहां पे हम पुट करेंगे, लेट एज्यूम दैट, एक एक बात अच्छे से सीख लो, लेट एज्यूम दैट रिजल्ट जो गिवन दिया है इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, दैट इज
ऑफ के इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस अप टू के इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 1/2, ये दिया था हमें. नाउ वी विल प्रूव दैट फॉर, अब k के लिए हमने रैंडमली उठा लिया, चेक क्या करेंगे, k प्लस 1 चेक करेंगे कि भाई सच में हो रहा है या नहीं. ठीक है, वी विल प्रूव फॉर, डोंट राइट, ठीक है, आखिरी में मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए दे दूंगा एक वैलिड आंसर. ये मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या हो रहा है. वी विल प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. ओके, अब k प्लस 1 डालो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस अप टू के प्लस के प्लस 1, मतलब एक टर्म बढ़ जाएगी ना, k से k प्लस 1 मतलब क्या, एक टर्म बढ़ गई. तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, k को रिप्लेस करो k प्लस 1 से, तो इट विल बिकम लाइक दिस. ओके, अब हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस. ध्यान में रखो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक एक करके सीखो, आप एक्सपर्ट बन जाओगे उसके अंदर. ठीक है, मैं भी अभी सीखा. ओके, नाउ सी, अब हमें इसको प्रूव करना है इसके हेल्प से. ओके, तो मुझे एक बात बताओ, 1 प्लस 2 प्लस के की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 प्लस 2 प्लस के की वैल्यू क्या है, के इंटू के प्लस 1/2, ये है, गॉट इट, ये है. ओके, सो के प्लस 1 एज इट इज. ओके, और ये भी भाई साहब एज इट इज, हमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस दिखाना है ना, चलो इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू के प्लस 1 अपॉन 2, ये एज इट इज. ओके, यहां से के प्लस 1 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, के प्लस 2/2 आ गया क्या, ये देखो कितना इजी. हेंस प्रूफ, हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1. And hence proof. खत्म, कितना इजी है. So, इस तरह से आप मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज कर सकते हो. देखो बेसिकली हमने क्या किया, गिवन जो दिया था उसे पी एन के फॉर्मेट में लिख लिया, बाद में एन की वैल्यू 1 डाली, इट्स अ कॉमन स्टेप. ठीक है, 1 के लिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ रहे हैं. देन हमने यूज किया कि लेट अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, बस n को k से रिप्लेस किया. और हमें ये प्रूव करना है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू है. ठीक है, तो p ऑफ k प्लस 1 क्या गया, बस आपको k को k प्लस 1 से रिप्लेस करना है. ठीक है, सो यहां पे देखो, बस अब हमने क्या करना है कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस दिखाना. तो ये ऊपर वाला जो इक्वेशन आया था p ऑफ k, तो देखो 1 प्लस 2 प्लस k है, इसकी वैल्यू क्या है यहां पे, k इंटू k प्लस 1/2, तो वो डाल दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ. ठीक है, इस तरह से. ओके, अगर आपको स्टैंडर्ड आंसर चाहिए तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ये पहली स्लाइड है, ये दूसरी और ये तीसरी. ठीक है, सो लाइक दिस, इस तरह से आपको आंसर्स को लिखना है. एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टूडे सेशन, और सारे एग्जाम्पल है लेकिन अगले सेशन में बात करेंगे. 1 into 2 plus 2 into 3 up to n into n plus 1 is equal to n into n plus 1 into n plus 2/3. Okay. सबसे पहले अब मेरे साथ ही लिखते चलो, क्या करोगे बताओ. सबसे पहले हम क्या करेंगे, p of n लिख लेंगे, ये जनरल है. 1 into 2, 2 into 3 up to n into n plus 1, आगे क्या आ जाएगा, n into n plus 1 n plus 2/3. ठीक है, अब चेक क्या करना है, चेक फॉर n इज इक्वल टू 1. देखो एक बार आपको है ना, ये वर्डिंग तो इजी है, वर्डिंग तो कोई भी कर लेगा, मतलब ये चेक फॉर दिस, वी विल प्रूव दिस, ये कोई भी कर लेगा, लेकिन अंदर के स्टेप्स जब तक आपको आते नहीं ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, सो यहाँ पे p ऑफ 1 डाल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 into 1 plus 1, डायरेक्टली इसके अंदर प्रूव करना है, पुट करना है आपको. ये क्या हो जाएगा, 1 into 1 plus 1, 1 plus 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 into 2, ये हो जाएगा 1 into 2 plus 3/3. देखो 3 3 गेट के आंसर टैली हो रहा है, यस yes, दोनों सेम आ रहे हैं, 1 into 2, 1 into 2. हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. ओके,
रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। अब आगे फॉर लेट एज्यूम दैट एन इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है, एन इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है, तो क्या हो जाएगा ये देखो, पी ऑफ के इज इक्वल टू वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री अप टू के इंटू के प्लस वन इज इक्वल टू क्या था वो के इंटू के प्लस वन के प्लस टू बाय थ्री, के इंटू के प्लस वन के प्लस टू बाय थ्री। मैं इसे थोड़ा रिप्लेस कर देता हूं, सॉरी, k इंटू के प्लस वन के प्लस टू बाय थ्री। ओके नाउ ये इसके लिए ट्रू है, चेक फॉर किसके लिए चेक करोगे आप, n इज इक्वल टू के प्लस वन, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे n इज इक्वल टू के प्लस वन, p ऑफ k प्लस वन इज इक्वल टू वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री अप टू k प्लस वन k प्लस टू। बस देखो एक एक को ऐड करो, आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री अप टू थ्री, मतलब k को k प्लस वन से रिप्लेस करना है। अगर यहाँ पे k प्लस वन डाल दू, यहाँ पे k प्लस वन प्लस वन दैट इज k प्लस वन बाय टू और दिस इज k प्लस वन, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके नाउ यहां तक की वैल्यू क्या है, यहाँ पे k इंटू के प्लस वन था ना, तो यहां तक की वैल्यू क्या है अपनी, k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू बाय थ्री और ये भाई साहब k प्लस वन के प्लस टू अपॉन थ्री, हमें ये दिखाना है यहाँ, ठीक है, मतलब इज इक्वल टू दिस लाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई की भी जरूरत नहीं, आई एम सॉरी यहाँ पे थ्री नहीं होगा शायद से, आई एम सॉरी, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा थ्री इंटू के प्लस वन के प्लस टू अपॉन थ्री, ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से कॉमन निकल रहा है के प्लस वन इंटू के प्लस टू के प्लस वन इंटू के प्लस टू, देयरफॉर k प्लस वन इंटू के प्लस टू अगर कॉमन निकल आया तो यहाँ पे बचेगा k प्लस थ्री अपॉन थ्री। देखो क्या ये दोनों सेम है, यस, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, ठीक है, लाइक दिस। ओके अगर आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अवेलेबल है। ओके इस तरह से टेक अ स्क्रीनशॉट, एग्जाम में भी आपको सेम टू सेम लिखना है। ओके तो अगले बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।